Hello friends, welcome to ProTalent, and this is Nitin Parmar from ProTalent bringing to you second module on August 2019. I'm sure all of you must be putting a lot of efforts for your current affairs, and ProTalent ka current affair will give you a lot of support for your further understanding. Great, this is module number 2. Is module number 2 ke saath kuch announcement that is primarily about our combo course, that is ProTalentDigital.com प्लस मॉक लेट 2020 टेस्ट सीरीज. उसका यहाँ पे एक लिंक देके रखा है, आप वहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हो, जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज प्लस आपको ये वीडियो फॉर्मेट मिलेगा. चलिए चालू करते हैं आज की बात. कौन कौन से डेज आए थे ये सेकेंड वीक में. 9th अगस्त इज एन इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल. ओके, 10th अगस्त इज अ वर्ल्ड बायोफ्यूअल डे, एंड 12th अगस्त इज अ बर्थडे ऑफ विक्रम साराभाई. ये विक्रम साराभाई कौन है? विक्रम साराभाई इज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम. आई एम श्योर यू नो दैट. ग्रेट, सो फटाफट देख लेते हैं. इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल वॉज ऑब्जर्व ऑन 9th अगस्त 2019 में. थीम थी इंडिजिनस लैंग्वेजेस, एंड आपको पता होगा दैट 2019 इज मार्क्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. सो ये फटाफट देख लिया हमने. नंबर 2, वर्ल्ड बायोफ्यूअल डे 10th ऑफ अगस्त. ठीक है, दिस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर प्राइमरली अगेंस्ट द फॉसिल फ्यूअल. सो इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूअल को बढ़ाने के लिए ये बिल्कुल जरूरी है. ठीक है, इस बार की थीम है प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल फ्रॉम यूज्ड कुकिंग ऑयल. कुकिंग ऑयल जो यूज हो गया उसको वेस्टेज में चला जाता है, उसमें से बायोफ्यूअल क्रिएट करने की बात हो रही है. एंड 100th बर्थडे ऑफ विक्रम साराभाई विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 12th ऑफ अगस्त. ही इज पद्म विभूषण अवॉर्डी डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिनकी वजह से इंडिया का स्पेस प्रोग्राम चालू हुआ. ओके, इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम. ठीक है, अब बात करते हैं कुछ पीपल हु आर इन द न्यूज. सो प्राइमरली दिस आर द अपॉइंटमेंट्स, लाइक कंदिकुप्पा श्रीकांत अपॉइंटेड एज अ सीएमडी ऑफ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, ये आप ध्यान रखिएगा. एंड राजेश कुमार श्रीवास्तवा इज अ डायरेक्टर ऑफ ONGC. कंदिकुप्पा श्रीकांत सीएमडी ऑफ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, एंड राजेश कुमार श्रीवास्तवा इज अ न्यू डायरेक्टर ऑफ ONGC. आई एम श्योर यू नो ONGC, काफी इंपॉर्टेंट कंपनी है ये ONGC. अब कुछ अवार्ड्स मिले. क्या चीज के अवार्ड मिले? फोर्ब्स ने हाईएस्ट पेड वुमेन प्लेयर का लिस्ट जारी किया. ठीक है, भारत रत्न मिला इन तीन लोगों को. ये अनाउंसमेंट पहले हो चुका था, बट इनको अभी ये अवार्ड मिला है, एंड देयर बाय वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट. प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका एंड नानाजी देशमुख. ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड 2019 आए थे, नेशनल यूथ अवार्ड दिए, और अभिनंदन वर्धमान एंड हिज टीम गॉट टॉप मिलिट्री ऑनर. ठीक है, फटाफट देखते हैं. फोर्ब्स रिलीजेस हाईएस्ट पेड वुमन प्लेयर्स लिस्ट, एंड सेरेना विलियम्स इज एट द टॉप. फ्रॉम इंडिया इट इज पीवी सिंधु हुज नेम इज देयर. ठीक है, बाकी किसी का नाम नहीं है, इट इज ओनली पीवी सिंधु इज देयर. सो नंबर 1 पे दिस सेरेना विलियम्स, नंबर 2 पे नाओमी ओसाका. ओके, सो इंडिया की तरफ से इट इज ओनली पीवी सिंधु. भारत रत्न हैज बीन प्रोवाइडेड टू फर्स्ट पर्सन, जो आपके सामने दिख रहे हैं, दैट इज नानाजी देशमुख, है ना, दैट इज पोस्टमसली उनको मिला है. ठीक है, नानाजी देशमुख वॉज अ भारतीय जनसंघ के लीडर थे. ठीक है, प्रणब मुखर्जी हमारे एक्स प्रेसिडेंट, एंड भूपेन हजारिका दैट इज पोस्टमसली उनको भी मिला है, ही वॉज अ फेमस सिंगर. ओके, सो दिस इज भारत रत्न फॉर ऑल थ्री. नेशनल फिल्म अवार्ड्स, ठीक है, दिस इज 66th नेशनल फिल्म अवार्ड. ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा. उरी, दैट इज अ सर्जिकल स्ट्राइक वाली मूवी, हैज रिसीव्ड 2 अवार्ड्स. वन इज अ बेस्ट डायरेक्टर, दैट इज मिस्टर आदित्य धार, एंड बेस्ट एक्टर विकी कौशल. वाइल आयुष्मान खुराना ऑल्सो रिसीव्ड द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर हिज फिल्म अंधाधुंध. ठीक है, सो दिस इज वॉट दी यू कैन से द एंटायर लिस्ट. बेस्ट नॉन फीचर फिल्म इज सनराइज, है ना, क्या नाम है, सनराइज, SON, सनराइज एंड द सीक्रेट लाइफ ऑफ फ्रॉग्स. ठीक है, बेस्ट एजुकेशनल फिल्म
is Sarala Virala. And best feature film is a Gujarati film called Hillaru. Okay, so this is how the films related. Best director is Aditya Dhar. Best actor, do logo ko mila, Ayushman Khurana aur Vicky Kaushal. Best actress is Kirti Suresh for Mahanati. And best popular film is Badai Ho. And best film on environmental issue is Pani. Okay, so these are the few details you should know. है ना, इसको नोट कर लीजिएगा, इसके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं. नेशनल यूथ अवार्ड हैज बीन प्रोवाइडेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट किरेन रिजिजू. किरेन रिजिजू इज क्वाइट फिट एमपी, है ना, काफी अच्छा काम करते हैं ये. ठीक है, सो नेशनल यूथ अवार्ड इन्होंने अनाउंस किए. इट इज प्राइमरली फॉर द इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस हु आर वर्किंग एंड कंट्रीब्यूटिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द यूथ एंड द सोशल साइंस. And this is what they are doing. And then we have Abhinandan Vardhaman and his entire team getting this top military honor called Vir Chakra. This is gallantry award by the military, you can say part. Or unhone Balakot mein jo attack kiya tha, hai na, iski wajah se unko ye mila hai. This is third highest wartime award. To aapko aage ke pehle do kaun se wo batane hai. पहला वॉर टाइम हाईएस्ट गैलेंटरी अवार्ड कौन सा है, सेकंड नंबर पे कौन है, तीसरा इज व्हाट दिस वीर चक्र, फटाफट बताइए. ठीक है, कमिंग टू इश्यू नंबर 12, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सम इंपॉर्टेंट इश्यूज जो काम के हैं. वर्ल्ड आर्चरी सस्पेंड्स आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया. दिस इज अ बिग अगेंस्ट अ सेटबैक टू इंडिया. इंडियन आर्चर्स विल हैव टू कम्पीट इन वर्ल्ड आर्चरी इवेंट एज एन इंडिपेंडेंट. ठीक है, सो इनको क्यों निकाला गया, प्राइमरली वहां पे जो इलेक्शंस हो रहे थे उस इलेक्शन में, है ना, उन्होंने जो कंडीशंस रखनी चाहिए वो कंडीशंस फुलफिल नहीं कर पाए, इसकी वजह से ये उनको निकाला गया. ठीक है, अभी डिस्प्यूट है. ठीक है, देखते हैं जब तक ये इनसे आगे क्या विचार आता है उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, नंबर 13, UNRWA दैट इज यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी रिसीव्स $5 million एड फ्रॉम इंडिया. इंडिया ने उनको $5 million का एड दिया है, सपोर्ट किया है. ठीक है, प्राइमरली दिस रिलीफ वर्क एजेंसी विल बी वर्किंग फॉर अपलिफ्टिंग द वेरियस एरियाज लाइक जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, गाजा स्ट्रीप, वहाँ पे बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज करने के लिए ये मदद मिलेगी. सो इंडिया की तरफ से ये अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है. पाकिस्तान सस्पेंड समझौता एक्सप्रेस सर्विसेज एंड वेरियस बायोलेटरल ट्रेड विद इंडिया. दिस इज आफ्टर द स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370. जैसे हमने आर्टिकल नंबर 370 स्क्रैप कर दिया, पाकिस्तान इज फीलिंग बैड अबाउट इट. सो दे एक्चुअली डू नॉट लाइक दिस आइडिया, है ना, उनके मुताबिक वो अपना रिसेंटमेंट दिखा रहे हैं और इंडिया अपना तरीके से आगे बढ़ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे समझौता एक्सप्रेस जो आपको पता होगा इट्स अ ट्रेन, तो फटाफट एक अच्छा सा क्वेश्चन बनाते हैं इसमें से, है ना. समझौता एक्सप्रेस कौन से स्टेशन से कौन से स्टेशन के बीच में जाती है, ठीक है ना, ये आपको बताना है. एंड देयर इज अ बायलैटरल ट्रेड इज आल्सो स्टॉप्ड. ठीक है, कमिंग टू नंबर 15, क्विट इंडिया मूवमेंट ऑब्जर्व्ड ऑन 9th August, जो उसकी 77th एनिवर्सरी हुई थी. क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में महात्मा गांधी जी ने चालू की थी. क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इस तरीके से उन्होंने ये मूवमेंट चालू करी थी, उसको ऑगस्ट क्रांति दिवस भी बोलते हैं. 9th August 77 ईयर्स खत्म हुए उस बात के. पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैव बीन सेक्ट इन सऊदी अरेबिया, सो गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया हैव डिसाइडेड टू कैंसल ऑल देयर वर्क परमिट ऑफ डॉक्टर्स ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, बिकॉज उनके मुताबिक जो MD और MS प्रोग्राम है पाकिस्तान का, उसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है और उसकी वजह से उनको सही ट्रेनिंग मिली नहीं है, और अगर सही ट्रेनिंग नहीं मिली है तो प्रॉब्लम है. ठीक है, तो इसकी वजह से उनको बैन कर दिया. कुछ अदर मिडल ईस्ट कंट्रीज लाइक कतार, UAE एंड बहरीन ने भी ये काम फॉलो किया है. सो पाकिस्तान के डॉक्टर्स सऊदी अरेबिया में बैन, इंक्लूडिंग UAE, बहरीन एंड कतार. ये याद रखेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से. ठीक है, DAC अप्रूव्स एक्विजिशन ऑफ 2 ब्रह्मोस मिसाइल बैटरीज. व्हेन वी से बैटरीज वी आर टॉकिंग अबाउट अ सीरीज ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल. आई एम श्योर यू नो ब्रह्मोस मिसाइल, है ना. ब्रह्मोस मिसाइल इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशिया. ठीक है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने ये अप्रूवल दिया है. टोटल 1247 करोड़ का ये दो बैटरीज आएगी, जिसमें काफी ज्यादा क्वांटिटी में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल होगी. सुपरसोनिक मिसाइल, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस, सुपरसोनिक, सोनिक इज अ साउंड. ठीक है, सुपरसोनिक एट दी मोर स्पीड देन दी
स्पीड ऑफ साउंड. समग्र शिक्षा जल सुरक्षा ड्राइव प्राइमरली टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट वाटर कंजर्वेशन अमंग द स्कूल चिल्ड्रन. दिस इज समग्र शिक्षा जल सुरक्षा ड्राइव हैज बीन लॉन्च. स्कूल के बच्चों को ये गाइडेंस दिया जाएगा, ये अवेयरनेस कैंपेन किया जाएगा. मणिपुर टॉप्स इन ब्रेस्ट फीडिंग एंड इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस. ठीक है, दिस इज अ रिपोर्ट बाय हेल्थ मिनिस्ट्री. नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मणिपुर इज एट द टॉप. राजस्थान यूपी बिहार दे आर एट दी लास्ट. ठीक है, आपको पता होगा दैट ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, पहले ही एक घंटे में बच्चे पैदा होने के एक घंटे में है ना जो माँ का दूध मिलना चाहिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो दिस इज़ फुल ऑफ एंटीबायोटिक्स तो ये बहुत ज़रूरी है. ठीक है, वो एक तरीके का वैक्सीन का काम करता है और पहले 6 महीने तक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा कुछ देना ही नहीं चाहिए. ये WHO भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस देता है. कमिंग टू नंबर 20, अ बुक इज क्रॉनिकल ऑन अवर वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू के 2 साल जो कंप्लीट हुए उसके ऊपर उनकी जर्नी कैसी रही, उन्होंने जो जो भी लेक्चर्स दिए उन सब के ऊपर एक किताब निकाली गई. किताब का नाम है लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग, है ना, 3L ऐसे याद आप रख सकते हैं, है ना, एम वेंकैया नायडू लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग. UAE लॉन्चेस हारमोनियस, है ना, हारमोनी OS इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ दिस UAE. आपको पता होगा UAE हैज बीन यू कैन से बैंड इन USA. दिस स्मार्टफोन वॉज हैवीली डिपेंडेंट ऑन गूगल बिकॉज वो एंड्रॉयड OS में थे. अब अमेरिका ने उसके ऊपर बहुत सारे सेंक्शन लगाए तो गूगल भी उनके साथ काम नहीं करेगा, ये उनको फ्यूचर दिख रहा था, इसकी वजह से उन्होंने ये ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी खुद की बनाई है. सो दिस इज नोन एज हारमोनी OS बाई UAE, ये बिल्कुल याद रखिएगा आप. ओके, रोटा वायरस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, रोटा वायरस इज नाउ अवेलेबल इन अवर कंट्री एंटायरली. ठीक है, दिस इज 100-day एजेंडा था हेल्थ मिनिस्ट्री का, जिन्होंने रोटा वायरस वैक्सीन सभी बच्चों को देने का वायदा किया था September 2019 तक. नाउ दिस विल बी अवेलेबल टू everyone. रोटा वायरस वैक्सीन helps छोटे बच्चों को प्राइमरली जब उनकी उनको जब डायरिया हो जाता है और डायरिया की वजह से बच्चों की डेथ हो जाती है. ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीवियर डायरिया इन दी चिल्ड्रन दैट इज रोटा वायरस, और इसकी वजह से बच्चों की मौत हो जाती है. ऐसी मौतें रोकनी चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, हमारे देश के लिए ऐसी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है. विरासत ए खालसा एंटर्स इन टू एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स. ठीक है, दिस इज आनंदपुर साहिब पंजाब में आया हुआ एक म्यूजियम है. ठीक है, इस म्यूजियम में है ना देर इज लार्ज नंबर ऑफ विजिटर्स आर मूविंग, दैट इज एक दिन में करीबन 20,000 से ज़्यादा विजिटर यहाँ पे आए थे एंड देयर बाय इट इज बिकमिंग यू कैन से मोस्ट विजिटेड म्यूजियम इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऑन अ सिंगल डे. ठीक है, एक दिन में इतने ज़्यादा लोग कोई म्यूजियम में आए हो उसका ये रिकॉर्ड है, दैट इज़ विरासत ए खालसा. ठीक है, याद रखिएगा ये म्यूजियम बनाया गया था टू कमेमोरेट द रिच हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब एंड सिखिज्म एंड इट वुड विटनेस इट्स 3rd एंट्री इन द रिकॉर्ड बुक. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. नेक्स्ट इज चाइल्ड केयर लीव हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर द मेल सर्विस पर्सनल इन डिफेंस फोर्सेज. डिफेंस में काम करने वाले लोगों को अगर उनके घर में बच्चा पैदा हुआ तो चाइल्ड केयर लीव अगर उनको चाहिए तो ये दे देंगे. टू सिंगल मेल सर्विस पर्सनल, अगर वो सिंगल मेल पर सर्विस पर्सनल है उनको ये मिलेगा. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, और उनको 5-5 दिन का ये बेनिफिट मिलेगा. ठीक है, BCCI कम्स अंडर नाडा. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. BCCI हैज एग्रीड टू कम अंडर द एम्बिट ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी. पहले वो नाडा में नहीं आता था. ठीक है, और दैट इज एंटी डोपिंग, है ना, आपने देखा होगा पृथ्वी शॉ जो ये एंटी डोपिंग में फंसा हुआ है उसके ऊपर सेंक्शन लगा के रखा है, करीबन 6 महीने तक वो क्रिकेट से दूर रहना पड़ेगा. ठीक है, और अब ये BCCI को नाडा में आना पड़ा क्योंकि वाडा दैट इज वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने काफ़ी प्रेशराइज किया. अब BCCI इज फुल्ली अंडर नाडा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्जाम में ये पक्का सवाल आएगा नाडा BCCI वाडा के बारे में. ओके, चलिए ग्रेट. सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल ऑफ August 2019 model number 2. If you like this video, please put a like button, share to large number of people and subscribe our channel. Okay? Thank you very much and all the best for your exam.